بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بسم اللہ کچن میں حاضر ہوں۔ آج میں انڈا مسالہ بنا رہی ہوں۔ اسے کوکنی میں ہم انڈے کا بوزار بولتے ہیں۔ ایک کھوبرا میں نے بھون کے رکھی ہوں، اس میں ایک چمچ دھنیا پاؤڈر ڈالوں گی، بڑی سوپ پاؤڈر ہے، یہ میں نے گھر میں بنایا ہوا ہے سوپ پاؤڈر، مرچی پاؤڈر ہے ایک چمچ، हल्दी पाउडर, ये तीखी मिर्ची पाउडर है, ये थोड़ी सी लेंगे। मैंने गैस पर प्याज फ्राई करने के लिए रखी हूँ। मैं ये साइज़ के तीन प्याज में मैंने दो इलायची डाली हूँ, एक पुलाव पत्ती डाली हूँ, तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। एक टमाटर डालेंगे छोटे साइज का, मैं छोटे साइज का टमाटर डाली हूँ। ये मैंने अंडे बॉईल करके रखी हूँ। सबसे पहले मैं ये मसाला जो निकाली हूँ इसे मिक्सर में पीसूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। खाना भी फ्राई हो चुका है, टमाटर भी पक चुका है, जो मसाला पीसी हूँ वो डालेंगे। अभी इसमें हल्दी चाय का नमक डालेंगे और इसे मसाले का कच्चापन जाने तक इसे अच्छे से पकाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं अंडे का मसाला हमारा पक चुका है। अब ये जो अंडे है इस तरह से काट के डालेंगे। इस तरह से भी रख सकते हैं या आधा आधा करके भी डाल सकते हैं। तो मसाले को हम अंडे के ऊपर डालेंगे और 5 मिनट तक दम पे रखेंगे ताकि ये मसाला सब अंडे के अंदर जज्ब हो जाए। पाँच मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ। 7 मिनट हो चुके हैं, हमारा अंडे का बोजा बन के तैयार है। अब इसे मैं सर्व करूँगी, गैस ऑफ करती हूँ, इसे मैं सर्व करती हूँ। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जज़ाकअल्लाह खैर।